नहीं कहते हैं वो लोग कि भैया एक तरीके के काम के लिए दो तरीके का वेतन दे, और जब वो सरकारी काम कर रहे हैं तो उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलता। अब प्राइवेट कंपनियों में भी प्राइवेट कंपनियों में भी चले जाइए तो वहां पर भी जो कर्मचारी काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ईपीएफ मिलता है। यहां पर इनको सरकारी कर्मचारी ही नहीं मानते तो ईपीएफ की भी कभी इन्होंने चर्चा नहीं की। ये गलत है, ये अन्याय है। और साथ ही में जो टीईटी के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं, भैया ऑलरेडी इतनी कमियां हैं, नियुक्तियां ही पूरी नहीं हुई है। हम लोग के लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि जो रिक्त पद हैं उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है। अभी भी शिक्षकों में आप देखें तो लगभग 1 लाख के करीब रिक्त पद बाकी हैं, और नियोजन के माध्यम से जब आप उनको लेते हैं नियुक्ति पत्र में तो उनकी नियुक्ति का आप जिक्र करते हैं, पर उसके बाद उनको नियोजन के माध्यम में डाल देते हैं। ये उनके साथ अन्याय है, ये गलत है, और इस व्यवस्था को हम लोग को सुधारने की जरूरत है। और ऐसे ही रिक्त पद आप चले जाइए, देख लीजिए जिला प्रशासन के पास डॉक्टरों की कमी। सही कहते हैं वो लोग कि भैया एक तरीके के काम के लिए दो तरीके का वेतन दे, और जब वो सरकारी काम कर रहे हैं तो उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलता। अब प्राइवेट कंपनियों में भी प्राइवेट कंपनियों में भी चले जाइए तो वहां पर भी जो कर्मचारी काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ईपीएफ मिलता है। यहां पर इनको सरकारी कर्मचारी ही नहीं मानते तो ईपीएफ की भी कभी इन्होंने चर्चा नहीं की। ये गलत है, ये अन्याय है। और साथ ही में जो टीईटी के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं, भैया ऑलरेडी इतनी कमियां हैं, नियुक्तियां ही पूरी नहीं हुई है। हम लोग के लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि जो रिक्त पद हैं उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है। अभी भी शिक्षकों में आप देखें तो लगभग 1 लाख के करीब रिक्त पद बाकी हैं, और नियोजन के माध्यम से जब आप उनको लेते हैं नियुक्ति पत्र में तो उनकी नियुक्ति का आप जिक्र करते हैं, पर उसके बाद उनको नियोजन के माध्यम में डाल देते हैं। ये उनके साथ अन्याय है, ये गलत है, और इस व्यवस्था को हम लोग को सुधारने की जरूरत है। और ऐसे ही रिक्त पद आप चले जाइए, देख लीजिए जिला प्रशासन के पास डॉक्टरों की कमी।